Hey guys, welcome back to my channel. तो भाई आज है संडे, इज अ वीकेंड और शाम के बज रहे हैं 4:15। एक बार बाहर का व्यू भी दिखा दूं, बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, मौसम काफी धूप हो रही है भाई, इसलिए कोई बाहर दिख नहीं रहा होगा आपको। भाई मैं सोचा थोड़ा एक व्लॉग करते हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग के कि उत्कर्ष प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट द पोल एंड टीआरसी और क्या स्टेटस है अभी, स्पेशली आफ्टर दिस वॉर। वॉर के बाद तो भाई जो भी है मैं बताऊंगा अभी, जस्ट स्टे ट्यून्ड। थोड़ा बैकग्राउंड साफ लग रहा होगा पहले से। वीकेंड भाई क्लीनिंग करते हैं, ऐसे टाइम मिलता नहीं है वीकडेज में। सो बेसिकली दिस माई अपार्टमेंट एंड दैट्स हाउ इट लुक्स, दिस इज द किचन। अभी थोड़ा साफ सफाई हुई तो अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा क्लीन नीट लग रहा है। और काउच पे ऐसे कपड़े वगैरह पड़े हैं भाई, तो डोंट माइंड दिस। और बाय द वे मेरे को ये नए फ्लिप फ्लॉप चप्पल मिले हैं भाई फ्रॉम नेलास मॉम। कनाडा से आते रहता है पार्सल वगैरह, तो मेरे लिए कुछ आ जाता है कभी कभी। हाँ तो बैठ के आराम से बात करते हैं अबाउट द पोलैंड टीआरसी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज उत्कर्ष, आई लिव इन पोलैंड एंड आई मेक व्लॉग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू आर रिटर्निंग सब्सक्राइबर तो वेलकम भाई, धन्यवाद। आई केम हियर एज अ स्टूडेंट ऑन अ स्टूडेंट वीजा एंड देन आई कंटिन्यूड माई स्टडीज। वो तीन साढ़े तीन चार साल की जो भी स्टडीज थी वो हो चुकी है, एंड रिसेंटली आई ग्रेजुएटेड। तो मैंने एक ग्रेजुएशन ब्लॉग बनाया, सो यू कैन चेक इट आउट, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं टीआरसी के बारे में। सो व्हाट इज पोलैंड टीआरसी? तो टीआरसी बेसिकली मीन्स द टेम्पररी रेजिडेंट परमिट विच अलाउज यू टू स्टे इन पोलैंड एज अ फॉरिनर। आप जो स्टार्टिंग में पोलैंड मूव करते हो फॉर वर्क स्टडीज है जो भी पर्पज है, तो आपको जो वीजा मिलता है इज ओनली फॉर वन ईयर, 365 डेज, उससे ज्यादा आपको वीजा नहीं मिलेगा। जैसे आपको पोलैंड का वीजा मिला फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, आप जहां से भी हो, आपको पोलैंड का वीजा मिल रहा है फॉर वन ईयर, राइट? आप पोलैंड आ गए, यू आर स्टेइंग हियर, यू स्टार्टेड वर्किंग स्टडीज जो भी है आपका, तो जिस दिन भी आपका वीजा एक्सपायर हो गया यू आर नॉट लीगल, आप फिर इलीगल हो जाओगे पोलैंड में। एंड आपको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म रहना है पोलैंड में, राइट? तो उससे बचने के लिए यू हैव टू अप्लाई फॉर पोलैंड टीआरसी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको टीआरसी की प्रोसेस पता ही नहीं है, काफी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यू हैव टू ऑप्शंस। एक है कि आप अपनी कंट्री वापस जाइए, पूरा वीजा प्रोसेस फिर से करिए, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बैंक स्टेटमेंट या जो भी लगता है सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए अपने कंट्री वापस जाके, और फिर न्यू वीजा अप्लाई करिए बैक इन यू कंट्री फॉर पोलैंड। प्रोसेस हो के आप एक बार गुजर चुके हो लाइक वन ईयर को, और फिर से उस प्रोसेस में पढ़ना फॉर मी इज लाइक नॉट अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी। मतलब इतना आसान नहीं होता, आपको अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं मिलता है एम्बेसी का या वीएफएस का। तो उससे बचने के लिए यू हैव टू अप्लाई फॉर टीआरसी। और आपको पता ही अपने होम कंट्री इंडिया, बांग्लादेश या जहां से भी आप हो, वहां पर जाना इज लाइक नॉट चीप। अराउंड टिकट पड़ जाएगा आई थिंक अराउंड 2-3 थाउजेंड पोलिश लॉटी, तो 50-60 हजार इंडियन रुपीज, तो सबके लिए उतना फीजिबल नहीं है भाई, मुझे पता है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अप्लाई फॉर टीआरसी एज अ फॉरेनर। सो बेसिकली देयर आर 2-3 वेज इन विच यू कैन अप्लाई फॉर टीआरसी। तो पहला है कि आपको खुद से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, यू विल डू ऑल योर प्रोसेस बाय योरसेल्फ। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, ओजोन जाइए, ओजोन इज बेसिकली द इमिग्रेशन फॉरेनर्स ऑफिस, जो भी बोलो आप। तो आप वहां जाइए, अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, एंड देन दे विल गिव यू अ स्टैंप ऑन योर पासपोर्ट। तो ये हो गया पहला तरीका। एंड द सेकंड वे इज आप खुद से ओजोन की वेबसाइट पर जाइए, आप उनका फॉर्म डाउनलोड करिए, आप फॉर्म करेक्टली फिल करिए, फोटोग्राफ वगैरह लगाइए, एंड देन यू हैव टू कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए टीआरसी अप्लाई करने के लिए। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थ्रू पोस्टा पोस्ट का या जो भी पोस्ट ऑफिस या जो भी है, आप पोस्ट ऑफिस जाइए और फिर पोस्ट ऑफिस से आप जो ओजोन का एड्रेस है वहां पे आप एक मेल भेज दीजिए, मतलब पोस्ट, तो उसका जो कंफर्मेशन होगा वो आपका कंफर्मेशन है कि आपने टीआरसी अप्लाई कर दी है। एंड द थर्ड वे इज टू हायर एनी एजेंसी और लॉयर, अटॉर्नी, जो भी हो गया, वो आपका एक पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं, एंड देन दे डू ऑल द प्रोसेस ऑन योर बेसिस। उस केस में आपको फिर अपना खुद का टेंशन नहीं होता यार, आप उनको पे कर दो और पे भी आप इंस्टॉलमेंट वगैरह में कर सकते, तो आपको उसकी फिर टेंशन नहीं रहती यार कि क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या फिर कब मेरा टीआरसी आएगा। वो आपके बिहाफ पे आपका जो कंसल्टेंसी लॉयर एजेंट जो भी होगा वो सारा प्रोसेस करेगा। दे नो मोर अबाउट द लॉज, और फिर उनको पोलिश लैंग्वेज भी आती है। खुद से अप्लाई कर रहे हो तो ओजोन से जो भी लेटर वगैरह आता है आपके एड्रेस पे, तो वो सब पोलिश में होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर इट्स लाइक अ होल मेस। तो इन माय एक्सपीरियंस आई एम लिविंग हियर फ्रॉम 4 इयर्स, बता दो भाई 4 साल से रह रहा हूं मैं। तो मैंने जो अपना पहला टीआरसी अप्लाई करा था वो मैंने अप्लाई करा था बाय माय सेल्फ, अपने से सारा डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करा, मैंने वो ओजोन भेजा थ्रू पोस्ट ऑफिस, और मेरे को जो खाली स्टैम्प पासपोर्ट पे लगता है टीआरसी कंफर्मेशन का वो लगा लाइक 5-6 मंथ्स में, एंड देन फिंगरप्रिंट वगैरह में भी टाइम लग गया काफी। सारा डिसीजन जो भी टीआरसी का आता है और टीआरसी का जो कार्ड लेने में मेरे को लग गया भाई कम से कम अराउंड 12 और 15 मंथ्स, आई डोंट रियली रिमेंबर। तो काफी लंबा टाइम प्रोसेस था, आई कुडंट ट्रैवल आउटसाइड ऑफ पोलैंड, आई कुडंट विजिट इंडिया। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जब टीआरसी का प्रोसेस चलता है तो आप पोलैंड के बाहर नहीं जा सकते हो, यू आर स्टक इन पोलैंड, और भाई आप फिर अपना कार्ड का वेट करते रहो, तो मतलब समझ रहे हो ना यार, फिर यू फील लाइक यू आर स्टक। भाई यूरोप हम आते ही लाइक वन ऑफ द रीजन है टू ट्रैवल टू एक्सप्लोर, मतलब इतने लाइक यहाँ ब्यूटीफुल लाइक सिटीज वगैरह कंट्रीज वगैरह है, तो ट्रैवल करना यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ भाई। गाइस फाइनली बात करते हैं कि टीआरसी का करंट स्टेटस क्या है। तो भाई स्टेटस तो कुछ ऐसे इंप्रूव नहीं हुआ है आई वुड से, और मेरे को याद है मैं जब 4 इयर्स अगो व्हेन आई वाज मूविंग टू पोलैंड, तब भी भाई लोग यही बोलते थे, आई वाज टॉकिंग टू फ्यू पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग इन पोलैंड, तो भाई लोगों ने ये बोला कि भाई टीआरसी का तो यहाँ बहुत पंगा है यार, यहाँ पे टीआरसी मिलता नहीं है, लाइक साल 2 साल 3 साल से लोग वेट करते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में था कि क्या पोलैंड इस
वरंट ए गुड लाइक डेस्टिनेशन टू स्टडी. अगर टीआरसी नहीं मिल रहा है तो भाई कैसे फिर जो भी आगे का यार काम जॉब वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी या जो भी था. मेरा पॉइंट ये है कि बिफोर मूविंग टू पोलैंड आपको ये सब चीज आप अवेयर होने चाहिए. लाइक यू शुड बी अवेयर विद ऑल दिस थिंग्स कि क्या क्या हो सकता है भाई आपके साथ और क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं आपके सामने. ऐसे कोई उतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास सही रिसोर्सेज और मेरे वीडियोस वगैरह वॉच करिए तो आपका सब प्रोसेस भाई स्मूथ हो जाएगा. उसकी कोई टेंशन नहीं है. तो वीडियो बना तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना है वो तो मैं करते रहता हूँ भाई टाइम टाइम से. आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करिए. आई हैव लिव्ड थ्रू ऑल दिस जर्नी. मतलब जो भी ये सब होती है ना यार लाइफ में यहाँ पे जो भी क्या क्या मुश्किलें आती हैं फॉरेनर्स को तो इन सबको कंसिडर करते हुए ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस ये भाई कि पोलैंड इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन इफ यू वॉन्ट टू मूव फॉर वर्क और स्टडीज या जो भी है. काफी अच्छा डेस्टिनेशन है भाई. लोग काफी यहाँ पे चले हैं. ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह है कि बिकॉज यू विल बी ब्लैक और ब्राउन या जो भी है. बाकी मामले में पोलैंड इज वेरी गुड फॉर स्टडीज लिविंग अर्निंग क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में. Poland is, I would say, the one of the best destination. In the end, आप उतना खर्च नहीं करते हो. You're not paying like 20-50,000 dollars or euros as a tuition fee. तो fees वगैरह काफी कम है. If you are in a tight budget, you are from middle class family, तो Poland भाई best destination है. You can really earn a lot of money here. बस दिमाग होना चाहिए भाई. तो guys, when it comes to this temporary resident permit, इस मामले में भाई Poland काफी अभी भी what old school है. काफी यहाँ पे documents, paperwork वगैरह हैं. सब physically होता है भाई. ऐसा कुछ electronic उतना कुछ है नहीं. तो इस मामले में I would say like Poland थोड़ा ऐसे पीछे है बाकी कंपेरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज. एक्सपीरियंस है तो ये मुझे लगता है कि अभी तक पोलैंड की गवर्नमेंट जो है वो अभी तक एक कुछ फिगर आउट नहीं कर पाई है फॉर इमिग्रेंट्स फॉर फॉरेनर्स हु आर मूविंग हियर. ऑन दैट आई कैन नॉट रियली कमेंट मच बिकॉज भाई मैं यहीं पे रहता हूँ. यहीं पर अभी मुझे रहना है पता नहीं कब तक या जो भी है. अभी तो फिलहाल यहीं पे हूँ मैं पोलैंड में हूँ. आई हैव माई वर्क. जनरली ये है कि यहाँ पे टाइम लगता है भाई टीआरसी के लिए. और इन माई ओपिनियन ऑल माई फ्रेंड्स दे वेटेड फॉर वन ईयर टू ईयर्स. कोई तो भाई सामी का बेस्ट एग्जाम्पल है. आई थिंक सामी ऑलरेडी वेटेड फॉर लाइक थ्री ईयर्स फॉर गेटिंग हिज टीआरसी. इन जनरल इफ यू आर कमिंग टू पोलैंड आपको ये सोच के आना है कि ये सब टीआरसी वगैरह के मामले में टाइम लगेगा. और द बेस्ट थिंग इज टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल. आप जैसे ही पोलैंड में आ रहे हो आप लैंड कर रहे हो आफ्टर वन और टू मंथ्स से सेटल हो जाओ सब कुछ फिगर आउट कर लो अपार्टमेंट एकोमोडेशन या जो भी है समझ रहे हो ना. तो उसके बाद आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हो. और फिर टीआरसी का प्रोसेस ईजी करने के लिए आई कैन सजेस्ट यू अर रियली गुड एजेंसी विच इज हियर इन ब्रसेल्स. गाइस आई कैन ऑल्सो शो यू माई टीआरसी. दिस माई टीआरसी विच आई गॉट लाइक लास्ट ईयर. ऐसा पिंक सा कार्ड होता है और फिर यही है भाई जो भी है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फॉरनर हो अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करना है या फिर अपार्टमेंट या कुछ भी बिजनेस वगैरह शुरू करना है तो टीआरसी होना इज लाइक वेरी मस्ट. ये काफी हेल्प करता है. मेरे को तो अभी काफी हेल्प हुई है भाई जो भी अभी तक मैं प्रोसेस हुआ है. तो गाइस आल्सो अबाउट टीआरसी लेट मी टेल यू. यहां पे एक एक्सपायरी डेट होती है ठीक है. वो वैसे मैं दिखा नहीं सकता थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है भाई. वन ईयर और टू ईयर वो डिपेंड करता है आपके इंस्पेक्टर पे आपके डॉक्यूमेंट पे आपके स्टडीज पे. तो भाई मेरा भी टीआरसी एक्सपायर होने वाला है और फिर मेरे को फिर से अप्लाई करना है. मेरे पास अभी फिलहाल उतना टाइम नहीं है कि डू ऑल द प्रोसेस बाय माय सेल्फ. बहुत टाइम लग जाता है भाई खुद से करने में. सो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स. आई वाज लुकिंग फॉर सम गुड एजेंसी और मेरे को पता चला भाई एक एजेंसी के बारे में और उनका नाम आई रिस्पेक्ट. तो गाइस मेरे को ऐसा था मेरे को ऐसे कोई रिस्क नहीं लेना था. मेरे को जल्दी से अप्लाई करना है बिकॉज आई नीड द स्टैम्प इन माय पासपोर्ट दैट आई हैव अप्लाइड. विदाउट द स्टैम्प आपको कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी कंपनी जॉब नहीं देगी. और अगर कोई जॉब दे रही है तो इलीगल है भाई समझ जाओ. पोलैंड में किसी भी शहर आ रहे हो यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड नॉट जस्ट फॉर टीआरसी दे हैव ऑल्सो अदर सर्विसेज. और मैंने जिनसे बात करी अपने फ्रेंड्स वगैरह से सबने काफी अच्छा फीडबैक दिया अबाउट देम. तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई अपना प्रोसेस भी खुद से उन्हीं से कराते हैं. टाइम नहीं बचाया मेरे पास अभी दो तीन मंथ बचे हुए हैं. तो आई रीच आउट टू देम मैंने उनसे बात वगैरह करी. एंड द गुड थिंग इज द ओनर हु इज रनिंग दिस एजेंसी इज इंडियन गाय. तो इंडियन है भाई वो तो काफी वे भी सही मतलब समझ रहे हो ना. एक इंडियंस कैन रिलेट टू अनदर इंडियंस द प्रॉब्लम्स एज अ फॉरेनर्स वी फेस. तो मैंने उनसे बात वगैरह करी एंड देन दे वर काइंड एनफ टू टेक माय केस. जो भी उन्होंने अपना प्रोसीजर फीस वगैरह बताई जो भी उनका एप्लीकेशन का है जो भी प्रोसेस है जो भी उनके चार्जेस हैं काफी मेरे को तो भाई रीजनेबल लगा बिकॉज दे आर ऑल्सो अदर एजेंसीज जिनके मैं टच में था एंड दे वर चार्जिंग लाइक वे हायर. एनी ऑफ यू गाइस आर कमिंग टू पोलैंड यू कैन रीच आउट टू देम. दे विल रियली हेल्प यू. दे कैन टेक योर केस एंड दे विल जस्ट help you to get the card as soon as possible. So right now I am on my MacBook screen और मैं आप दिखाऊंगा उनकी वेबसाइट क्या है और क्या सर्विसेज वगैरह हैं. सो जस्ट ऑन गूगल यू हैव टू राइट आई रिस्पेक्ट. आप आई रिस्पेक्ट लिखोगे तो उनका फर्स्ट जो लिंक आएगा आई रिस्पेक्ट पोलैंड. तो यही है दिस इज द ऑफिशियल पेज. तो गूगल पे भी आप देख सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज हैं. 4.3 स्टार है भाई. गो टू देयर वेबसाइट एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. यू कैन यूज एनी ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट. ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है ये उनका ईमेल है एंड दिस इज द बिजनेस टाइमिंग एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ ब्रसेल्स. एंड द फर्स्ट थिंग व्हेन यू लैंड ऑन देयर वेबसाइट यू कैन फिल योर नेम सरनेम और जो भी फोन नंबर वगैरह है भाई एंड देन यू कैन साइन अप फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. तो कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं भाई इज ऑल फ्री. और यू कैन इवन हैव अ चैट विद देम. दिस आर देयर सर्विसेज विच इज रेजिडेंट कार्ड टीआरसी और पीआर. अगर आप परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर पोल्स कार्ड विच इज लाइक द परमानेंट लाइक सिटीजनशिप. यू सी द पोलिश सिटीजनशिप. दे कैन ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग द पीएसएन नंबर. पीएसएन नंबर इज बेसिकली अ नंबर लाइक आधार नंबर वी हैव इन इंडिया. एंड इन केस इफ यू आर कमिंग टू पोलैंड एंड लिविंग हियर एज अ फॉरेनर यू नीड पीएसएन नंबर फॉर प्रीटी मच एवरीथिंग हियर.
all the documentation, everything, you need PSL number. In case also, if you want to exchange your Indian license into Polish one, they can also help you with that and legalization of stay. So the first thing which you can do, you can apply for their free consultation. वो आपको call back करेंगे and then you can have all the discussion. और second हो जाएगा आप collection of all the necessary documents. These guys have a legal professional team which will help you to collect all the documents. And then the third thing will be submission of the documents. And this is the stamp which you get on your passport. It means that you have applied successfully for a resident permit. And also in case if you are living already in the Europe and you want to apply for the EU citizenship for you or your family, आप यहाँ पे आप continue कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो आप. And personally my friends, उन्होंने भी काफी अच्छा review दिया भाई, तो आप review वगैरह देख सकते हो, काफी अच्छा अच्छा review है. You can trust me on this. They are the best agency for applying for TRC. The owner is Indian and मेरे काफी close friends ने भी अपना process कराया है and they got their TRC card in their hand, this plastic card in 3 months, 4 months or even less than that, in 2 months. In some cases. And this is your location in Wrocław and this is the address. Just by clicking from here you can enter in Google Map. काफी neat and clean website है, काफी अच्छा service है, professional. Let's talk about the war. कि अभी situation क्या है TRC की Poland में? There are more than 2-3 million. I don't know the exact numbers. Don't quote me on that. There are more than 2-3 million refugees in Poland. Ukrainian refugees. And पहले से भी Poland में बहुत सारे Ukrainian population थी. Ukrainians are the majority in Poland as a foreigner. तो भाई Ukrainians तो पहले से बहुत सारे थे Poland में and after this war there's just like a Ukrainian like boom of the population and they are also foreigners. They also apply for TRC. तो उनके वजह से ये जो TRC का टाइम होता है, आई वुड से पर्सनली कि और बढ़ गया है ये पहले से भी. एंड द पोलिश गवर्नमेंट इज वेल अवेयर ऑफ दिस TRC प्रॉब्लम व्हाट द फॉरेनर्स आर फेसिंग इन पोलैंड. सो इन द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर 2022 द पोलिश गवर्नमेंट दे इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ कि इफ यू आर अ फॉरेनर, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर TRC, द होल प्रोसेस शुड ओनली टेक अबाउट 60 और 70 डेज. पर भाई ऑन द प्रैक्टिकल लेवल वो फॉलो होता नहीं है. आफ्टर दिस वॉर द UZON, the immigration office, the Polish government, they have said now we have more cases and until the end of this year you cannot have a appeal in the court. क्योंकि पोलैंड का प्रोसेस ये है कि अगर आप लेट से आप TRC अप्लाई करते हो और आपको TRC के लिए बहुत टाइम लग रहा है, तो आप पोलिश कोर्ट में आप जो UZON इमिग्रेशन ऑफिस है उनके अगेंस्ट एक प्रॉपर एक लीगल केस फाइल कर सकते हो. उन्हें आपको TRC दिया नहीं इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम. तो अभी तो फिलहाल पोलिश गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि यू कैनॉट अपील, लंबा टाइम लग रहा है TRC का. तो आप उसके लिए आप कोई ऐसे प्रोसेस फास्ट करने के लिए आप पोलिश कोर्ट में कोई हमारे ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते हो. तो ये तो भाई एक लीगली एक वो निकल गया है, मतलब स्टेटमेंट पोलिश गवर्नमेंट का. सो गाइस पर्सनली आई हैव विजिटेड देयर ऑफिस लाइक सो मेनी टाइम्स विद माय फ्रेंड्स, इवन आई वेंट विद सामी. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई द वे दे ट्रीट देयर क्लाइंट्स. ऐसा नहीं था कि हम उनको कुछ पैसा दे रहे हैं या वी आर पेइंग देम टू यू नो हेल्प अस विद द फ्री कंसल्टेशन. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू देम. इधर वेज यू कैन हैव अ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट विद देम एंड दे विल टेल यू द टाइम एंड डेट ऑन विच यू कैन विजिट देयर ऑफिस. यू कैन इवन जस्ट कॉल देम एंड हैव अ कंसल्टेशन ओवर फोन और दे विल टेल यू द होल प्रोसेस या जो भी चार्जेस वगैरह. एंड द ओनली रीजन आई कैन टॉक अबाउट देम, आई कैन प्रमोट देम बिकॉज आई एम डूइंग माय केस विद देम पर्सनली फॉर माय TRC एंड आल्सो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव डन. तो काफी अच्छा भाई फीडबैक रहा है. मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप किसी ऐसे रफ सिचुएशन में होते हो और द वे समवन टॉक्स टू यू एंड देन मेक्स यू फील दैट डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, वी विल हेल्प यू, हो जाएगा भाई, जुगाड़ हो जाएगा, हम तो इंडियन है ऐसे ही. सो द ओनर एज आई मेंशन ही इज इंडियन एंड समझ रहे हो ना, काम हो जाता है भाई सारा. पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, देयर ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल मैप लोकेशन या वेबसाइट जो भी है सारा मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट. सो बेसिकली आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज जो भी मेरे को आ रहे थे पर्सनली ऑन माय इंस्टाग्राम. एंड इफ यू गाइस हैवंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज गो एंड चेक इट आउट, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब करो चैनल को. आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइस जस्ट वॉच माय वीडियोस एंड हैवंट सब्सक्राइब, तो बुरा लगता है भाई दिल से, करो सब्सक्राइब. आई रियली होप विद दिस वीडियो आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट पोलैंड, TRC डाउट्स, क्वेरीज या जो भी थे. और स्टिल इफ यू हैव सम क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम और यू कैन राइट मी ऑन माय ईमेल, फेसबुक, आप जहां भी आपको मैसेज करना है कर दो भाई. So guys, I think that's pretty much for this video. Poland TRC का तो ये अपडेट था भाई. Also let me tell you, if you are coming to Poland and you have to be very patient. यहाँ पे जितना bureaucratic work होता है ना, जो भी paper work, legal document, जैसे में यहाँ time लगता है. और हमारे खाली foreigners का नहीं, Polish people का भी, if they want to get passport or any documents, उनका भी ऐसे ही time लगता है हमारे तरह ही. But in foreigners case, it takes more time because in UZON, in the immigration office, they have lot of case. So भाई अगर आप Poland आ रहे हो तो इतना सोच के आना कि time लगेगा TRC में. ऐसे कोई जल्दी ऐसे नहीं कि हाथ में आपको मिल गया, आप apply करें और हाथ में आ गया. हाँ अगर आप किसी agency के through करो जो मैंने मेंशन करा है तो हो सकता है कि आपको एक दो महीने में या फिर उससे भी जल्दी मिल जाए. तो आई थिंक दैट्स प्रीमियम फॉर द वीडियो. आई रियली होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, जो भी था काफी इंफॉर्मेटिव व्लॉग था, पूरा इंफॉर्मेशन से भाई भरा हुआ था. तो सब्सक्राइब कर देना, आई विल सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग. लव फ्रॉम पोलैंड, पीस. और मिलते हैं भाई, सब्सक्राइब कर देना यार. ऑल्सो वन मोर थिंग, जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू देम, द एजेंसी आई मेंशन. और कोई डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो आप उनसे बोल देना मैं उत्कर्ष का वीडियो देख के आया हूँ, तो मे बी दे विल गिव यू सम डिस्काउंट, यू नेवर नो. मतलब यार बहुत लोग तो ऐसे सोच के आते हैं ना यार कि इंडिया से बाहर जाएंगे, ऐसे जॉब मिल जाएगी, पैसा आएंगे भाई, पैसे छापेंगे, कार ले लेंगे या जो भी ले लेंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं. तो ऐसा नहीं होता भाई, आपको यहाँ पे आना है, पेशेंस रखिए, हार्डवर्क रखिए
और जो भी आप डिजर्व करते हो सब मिलेगा, इट डिपेंड्स हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट। सो गाइस इसी नोट पे वीडियो फिनिश करते हैं, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई रियली होप एंजॉय दिस व्लॉग। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा मुझे पता है, तो थोड़ा प्यार दिखाना भाई, एक लाइक कर देना और कुछ भी कमेंट कर देना जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। सी माय नेक्स्ट व्लॉग, पीस।